हाय बहनों, मंजू की किचन में आपका स्वागत है। अब हम बनाने जा रहे हैं खीरे की सब्ज़ी। खीरे की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। ये हमने दो खीरे ले लिए हैं, इनको मीडियम साइज का चॉप किया है, इस टाइप का काट लिया है। धो करके आगे से जब वो निकालने के बाद मैंने काट लिया है। और फिर हम डालेंगे इसमें कढ़ाई में तेल। इसमें हमने डाला जीरा, एक चम्मच जीरा डाल दिया है। फिर हम एक प्याज काटी है, ये तीन चार लहसुन काटा था और तीन ही हमने हरी मिर्च डाली है इसमें। और ये है प्याज, एक प्याज काटी है। अब हम ये सब तेल में पहले हरी मिर्च छोड़ेंगे। हरी मिर्च और लहसुन छोड़ देंगे। कुछ पकने के बाद में हम इसमें डालेंगे प्याज। इसको ब्राउन भून लेंगे पहले, प्याज को मसाले डाल देंगे। इसमें करीब 15 दाने हमने कलौंजी के डाल दिए हैं। डालेंगे हींग। प्याज की हो गई है दाल, धीरे धीरे कलौंजी भी भुनी जा रही है। इसमें हम डालते हैं मसाले, चौथाई चम्मच हल्दी, आधी चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, बाकी थोड़ा सा धनिया पाउडर, छोटी चम्मच है, दो चम्मच कर रहे हैं आप अपने चार चम्मच खा लेंगे। इसको भून लेते हैं। अब इसमें ये कटा हुआ खीरा डालेंगे। देखता हूँ सब्जी को, स्टीम बन चुकी है। इसमें हम फिर चला देंगे इसको, दो दो मिनट में हम चलाएंगे और 10 मिनट में करीब सब्जी हमारी तैयार होगी बन। इसे हम पानी में डालेंगे, इसलिए हमको बराबर चलाना पड़ेगा, मसाला सब तरफ हो जाए। चलाते हुए 10 मिनट में, दो तीन तीन मिनट में ऐसे ही हम चलाते रहेंगे। बहनों ये देखिए, मैंने खीरे की सब्ज़ी बनाई है। खीरे की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, आप एक बार ज़रूर बना के देखिए। इसी रेसिपी के साथ, इसी रेसिपी को देख कर के बनाइए।
और फिर मैं ये कमेंट करके बताइए कि खीरे की सब्ज़ी कैसी लगी। ये पूरी पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, वैसे तो आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, लेकिन आप पूरी पराठे के साथ ये थोड़ा सा नमक अजवाइन डाल के पराठा बनाइए या पूरी बनाइए, फिर आपको देखिए कितना टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। अगर ये सब ये रेसिपी आपको पसंद आती है, वीडियो पसंद आता है, तो आप इसको कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।